हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। एंड ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जिन्हें लास्ट वीडियो में हमें कमेंट करके बोला था कि हमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म जैसा कोर्स करना है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इन दिस चैनल ऑल वी टॉक अबाउट इज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अब्रॉड स्टडीज, कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज, फी स्ट्रक्चर एंड लॉट मोर इन्फॉर्मेशन। जस्ट टू अटेन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेकिन हमारी जो फीस का जो हमने बजट बनाया है वो 10 लाख के अंदर है। तो अगर पर ईयर आपको सिर्फ 10 लाख एक्सपेंड करना है तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है या कहाँ की ऐसी कंट्री है जहाँ जाकर आप मिनिमम 10 लाख एक्सपेंड कर एक साल में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म जैसा कोर्स करना है, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कुछ 5 से 10 ऐसे कॉलेजेस के नाम जहाँ जाकर आप ईयरली बेसिस पर अगर आपको सिर्फ 10 लाख इन्वेस्ट करना है, जैसे कि मैंने कहा, आप इन कॉलेजेस में जाकर, इन यूनिवर्सिटीज में जाकर ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन, अगर मुझसे कोई टॉपिक रह जाता है तो आपको पता है ना क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको तुरंत ही मिल जाएगी, क्योंकि उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। नंबर 1 यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो यूनिवर्सिटी है बर्लिन जर्मनी की। तो SRH हॉस्टल बर्लिन यूनिवर्सिटी का नाम अपने काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए फेमस है, सुना ही होगा। वहाँ पर जाकर आप अगर MA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड लीडरशिप करना चाहते हैं तो जरूर ही कर सकते हैं। वहां पे जो आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी वो कुछ एग्जामिनेशन जैसे TOEFL, IELTS, PT जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जो फीस स्ट्रक्चर होगा अगर हम उसकी बात करें तो 5.6 लाख से उसकी स्टार्टिंग होगी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जहां जाकर आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जैसा कोर्स कर सकते हैं वो भी 10 लाख के अंदर की पर ईयर की फीस में, वो है द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रॉकलॉ जो पोलैंड में है। मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी काफी फेमस कोर्स है वहां का। वहां पे आप ओनली 4.8 लाख इन्वेस्ट करके एक साल में ये कोर्स एक साल का कंप्लीट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की वहीं अगर हम बात करें तो TOEFL, IELTS, PT जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको वहां पे एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो है दी होटल स्कूल बैटल जो फ्रांस में है। MBA इन इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट जिनको भी करना है वो इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। एंड जो फीस स्ट्रक्चर होने वाला है एक साल का वो 7.1 लाख होने वाला है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको IELTS TOEFL जैसे एग्जामिनेशन, जो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन होता है, वो देना रहेगा एंड उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है साइप्रस इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर भी आप MBA इन टूरिज्म मैनेजमेंट जैसा अगर आप कोर्स का स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक साल की फीस में बता दूं 2.4 लाख जाने वाली है एलिजिबिलिटी। आपको सिर्फ एक IELTS का एग्जाम देना होगा एंड उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसका नाम है द बुडापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। वहां से आप MSc इन टूरिज्म एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी TOEFL में आपका एटलीस्ट 79 स्कोर होना चाहिए, IELTS में आपका एटलीस्ट 6 स्कोर बोर्ड में होना चाहिए। फीस की अगर वही हम बात करें, एक साल की जो फीस आपको इन्वेस्ट करना है वो 7.9 लाख से चालू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में रुक के ऑन कैंपस अकोमोडेशन मिल जाए तो वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जहां जाकर आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस एंड बिजनेस विद हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो है सिंगापुर की एक बहुत ही पॉपुलर अकेडमी जिसका नाम है कप्लान हायर एजुकेशन अकेडमी। यहाँ से जो आपकी फीस होने वाली है एक साल की वो 9.9 लाख होने वाली है। वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो IELTS के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। 6.5 स्कोर बोर्ड यहाँ पे मिनिमम आपको स्कोर करने रहेंगे आपके IELTS के एग्जामिनेशन में, प्लस द प्लस पॉइंट इज आपको यहाँ पे अकोमोडेशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है थाईलैंड की काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप MBA इन होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हैं। TOEFL एंड IELTS के बेसिस पर आपको जो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे इसके बेसिस पे आपको एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाएगी। जो पर ईयर की फ़ी होगी आपकी 6.6 लाख होने वाली है। आपको अगर स्कॉलरशिप भी चाहिए तो आप इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है डेनमार्क की जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क। MA इन इंटरनेशनल टूरिज्म एंड लेजर मैनेजमेंट जिनको भी करना है वो इस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे TOEFL एंड IELTS के बेसिस पे है। 5.8 लाख आपकी पर ईयर की फीस होने वाली है। आप चाहते हैं यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप बेसिस पे आपकी ट्यूशन फीस और थोड़ी कम हो जाए तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। 9th यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो है उमिया यूनिवर्सिटी, स्वीडन की है। मास्टर्स ऑफ साइंस इन टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है, तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं।
पर ईयर फीस की बात करूँ तो 7.9 लाख फीस आपकी जाने वाली। वहीं अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो TOEFL IELTS जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डलाना यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप मास्टर्स प्रोग्राम इन टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलपमेंट जैसा कोर्स कर सकते हैं। पर ईयर की फीस की बात करें तो 6.5 लाख आपकी पर ईयर की फीस पड़ने वाली है, एलिजिबिलिटी जो होगी TOEFL एंड IELTS के बेसिस पे होगी। वहीं अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, बट अगर आप अकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं तो वो शायद आपको यहाँ पे ना मिले। सो यहाँ ये कुछ 5 से 10 यूनिवर्सिटी है और 5 से 10 अलग अलग जगहों की यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहाँ जाकर आप टूरिज्म या फिर होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी जैसा कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से चाहिए थी वो सारी मिल गई है तो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट आपका आपके दिमाग में आ गया, आप सॉल्व कराना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ्रीली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जो हमारे काउंसलर्स हैं वो आपको पर्सनली गाइड कर देंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। And if you like this video, as I said, do like this video and share it with your friends. And this was me, Nimisha Jachani, signing off.